हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का विषय है करंट अफेयर्स स्पेशल बिहार। एक नंबर से, अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का रिकॉर्ड बिहार के किस पर्वतारोही द्वारा बनाया गया? तो लक्ष्मी झा द्वारा। कौन सा? किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ने का, माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया गया लक्ष्मी झा द्वारा। दूसरा, बिहार के किस जिले में राज्य का चौथा एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? जो चौथा एयरपोर्ट निर्माण किया जाएगा पूर्णिया में। आगे, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार सरकार को किस नदी में घड़ियाल वन जीव अभयारण्य बनाने का निर्देश दिया? सोन नदी में। आगे, बिहार का दूसरा इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मोतीपुर मुजफ्फरपुर में। आगे, बिहार दिवस 2023 का थीम क्या था? तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति। आगे, भारतीय डाक विभाग ने बिहार के किस कृषि उत्पादक पर ₹5 का नया डाक टिकट जारी किया? तो मुजफ्फरपुर के शाही लीची पर। आगे, बिहार सरकार ने अपने किस प्राधिकरण को स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दी? तो बिहार राज्य के खेल प्राधिकरण पर। आगे, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया गया? थावे गोपालगंज में। आगे, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब कहाँ खोला गया? तो पटना में खोला गया। आगे, बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया? तो पटना जंक्शन पर। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला गया? क्या चीज़? फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो पटना के बिहटा के पटना में खोला गया। आगे देखते हैं, एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुँचने वाली बिहार की पहला महिला कौन बनी? तो लक्ष्मी झा बनी, सहरसा की। तो इससे पहले थी कि लक्ष्मी झा, वो क्या थी? माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया था किसने? लक्ष्मी झा ने। और यहाँ है एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुँचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी? लक्ष्मी झा। चलिए आगे चलते हैं, सौ 100% हर घर नल जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? फिर से सुन लें, 100% हर घर नल जल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? तो अरवल बना। यहाँ हर घर में नल जल है, ठीक है। आगे, बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक कब से बैन किया गया? क्या? सिंगल यूज प्लास्टिक, तो 1 जुलाई 2022 से। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू हुआ? कृषि रोड मैप 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि के लिए होगा? तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक होगा। आगे, अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन बना? तो पटना हवाई अड्डा। आगे, बिहार की सबसे बड़ी पेयजल पाइपलाइन योजना कौन सी है? तो गंगा जल आपूर्ति पाइप योजना। आगे, बिहार के सभी विद्यालयों में किस दिन नो बैग डे घोषित किया गया? तो प्रत्येक शनिवार, नो बैग डे प्रत्येक शनिवार। आगे, बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया? पटना में किया गया। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई? पूर्णिया में। आगे, भोजपुर का पहला OTT ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया? तो चौपाल, OTT चौपाल। आगे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन कहाँ बनाया गया?
पटना में बनाया गया। इसकी क्षमता 25,000 सीट है। आगे, बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया? तो दरभंगा में तैयार हो गया। आगे, मलबरी सिल्क की बड़ी कंपनी बिहार में कहाँ खुली गई? पूर्णिया में खुली गई। बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया? जी हाँ, जैविक खेती मॉडल बनाया गया। कहाँ बनाया गया? फतुहा, पटना में। आगे देखते हैं, बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया? तो अररिया में खोला गया। कहाँ खोला गया? अररिया में खोला गया। ठीक है, आगे, बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाया गया? कौन सा पहला ट्रैफिक पार्क? पटना में बनाया गया। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान बनाया गया? क्या पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान बनाया गया? जू सफारी राजगीर में। आगे चलते हैं, देखते हैं, इकतालीसवें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में किस पेवेलियन को रजत पदक प्राप्त हुआ? बिहार को। इंटीग्रेट रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? नालंदा। एक बार फिर से, इंटीग्रेट रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? तो नालंदा बना। बिहार में कैबिनेट के फैसले के अनुसार खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। आगे, अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया गया है? कौन सा अमृत सरोवर निर्माण? कटिहार में। बिहार का पहला मल्टी मॉडल प्लास्टिक पार्क कहाँ बनेगा? जेतिया गांव, पटना में। आगे, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया? तो बरौनी में किया गया। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया? भागलपुर में खोला गया। आगे देखते हैं, देसी नस्ल के गायों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए बिहार में गोवंश विकास संस्था की स्थापना कहाँ कहाँ होगी? पटना में होगी। बिहार में पहली बार किस जिले के पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट कराया गया? अरवल का। बिहार में किस धाम का विकास हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर किया जाएगा? सिमरिया धाम, बेगूसराय। बिहार में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? डुमराव, बक्सर में की जाएगी। आगे, बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोइलवर, भोजपुर। कौन सा? मानसिक स्वास्थ्य एवं संबद्ध है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट या सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कब प्रारंभ की गई? तो 15 सितंबर 2022 को। बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम कहाँ निर्मित किया जा रहा है? गया में। कौन सा? आईटी मॉडल रूम। आगे, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना कब से कब तक लागू किया गया? तो 2022-23 से 26-27 तक। आगे, बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले की गिरफ्तारी के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन प्रहार। गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है? तो 151 किलोमीटर है। कौन सा? गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई 151 किलोमीटर है पाइपलाइन की। ठीक है, आगे, हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत प्रत्येक घर में प्रतिदिन कितने लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? 135 लीटर। आगे,
बिहार का पहला फोर लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, कौन सा फोर लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक बन रहा है? औरंगाबाद से पटना दरभंगा, औरंगाबाद पटना दरभंगा आगे। बिहार का पहला एडवांस ड्रामा लाइट सपोर्ट, एडवांस ड्रामा लाइट सपोर्ट लैब का निर्माण कहां किया गया? IGMS पटना, कौन सा एडवांस ड्रामा लाइट सपोर्ट आगे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन्ग ब्लाउंस में सिल्वर मेडल जीता? चंदन कुमार सिंह मुंगेर। बिहार के किस स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की गई? रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन, क्या बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन आगे। आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का नाम सम्मान दिया गया? बोध गया आगे। बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची 111 फीट प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी? सहरसा सासाराम में, कहाँ सासाराम में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा 111 फीट। समाधान यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 जनवरी 2023 को कहाँ से की? वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण से, कौन सी यात्रा समाधान यात्रा, कौन सी यात्रा समाधान यात्रा वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण से शुरू की गई 2023 में आगे। बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ से शुरू किया गया? बिहार का पहला रिवर सफारी तो दुर्गावती जलाशय में कैमूर से आगे। यहाँ तक बने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।